अस्सलाम वालेकुम रान भाई, क्या हाल है? खैरियत है? चलें आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स में बैन कर दिया है और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, काफ़ी अर्से से ही बैन किया हुआ है। उसके अगेंस्ट महकमा फूड ने और गवर्नमेंट ने कपड़े के हैंड बैग मुतारफ करवाए थे, जो आप हर बेकरी में किसी भी ब्रांड पर शॉपिंग करते हैं तो आपको आजकल कपड़े के हैंडबैग में ही चीज़ मिलती है, ग्रोसरी हो या आपकी फूड आइटम हो, वो कपड़े के बैग में ही आपको मिलती है। तो आज हम मौजूद हैं PCSIR सोसाइटी कॉलेज रोड में, यहाँ AR इंटरप्राइजेस पे नुमान भाई के पास मौजूद हैं। आज हम इनके सेटअप पे आए हैं और आपको बताएंगे कैसे कपड़े के बैग्स जो ये तैयार कर रही हैं उसमें कैसे इनकी प्रिंटिंग होती है, कैसे मशीन से ये बैग्स गुजरते हैं, इनके प्रोडक्शन कैसे हो रही है। इनके सेटअप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, सफियत है। आज हम आपके सेटअप पे माशाल्लाह आए हैं और हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिए, जी जी बिल्कुल, जिनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को भी और काफी कस्टमर्स को भी, बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। अब ये कपड़े के हैंडबैग्स चल रहे हैं और आप माशाल्लाह कपड़े के हैंडबैग्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें जरा इसके बारे में कुछ मालूमात दें और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। बिल्कुल, आप आए मेरे पास, आप साथ आए, मैं आपको दे देता हूँ। ये सारा ये क्लॉथ है, ये सारे, अच्छा ये सारा इसका कपड़ा, ये इसका कपड़ा है, इसके बैग बनते हैं। सही हो गया, ये स्टार्ट समझ ले यहाँ से ही है। अच्छा ये इसका ये मटेरियल ये आप कहाँ से लेते हैं? ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, मसलन के काफी ब्रांड हैं जो लाहौर में भी, बोलिएगा आपके माशाल्लाह वर्किंग हो रही है, मशीनरी चल रही है। जी जी बिल्कुल, लाहौर में भी इसके बड़े यूनिट लगे हुए हैं और आउट ऑफ सिटी भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है सारी, और ये सारा कपड़ा पाकिस्तान में ही बनता है, लेकिन इसका जो दाना आता है वो बाहर से आता है, दाना इंपोर्ट होता है, दाना इंपोर्ट होता है, लेकिन इसकी जो इंडस्ट्री सारी है वो पाकिस्तान में लगी हुई है। सही, कपड़ा बनता यहीं पे ही है। बिल्कुल, उसके बाद फिर आगे वो, अच्छा ये सारा यानी कि कपड़ा पड़ा हुआ है, हैंडबैग का, ये हैंडबैग का कपड़ा पड़ा हुआ है, और ये सारा सेटअप है, सारा सेटअप है। ये दो मशीन पड़ी हुई है इसकी हैंडबैग बनाने की, और ये प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, और ये इसका सारा सेटअप है आपको। अच्छा यहाँ से ये सारा जो शॉपिंग बैग आपका बन रहा है, जी, इधर से स्टार्ट हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे पहले ये रोल लगता है यहाँ पे, ये सबसे पहले ये रोल लगता है, सबसे पहले ये रोल लगता है, जी जी। जो जिस साइज का बैग बनाना हो उस साइज के मुताबिक रोल लगता है, इस साइज के मुताबिक, साइज के मुताबिक ये सबसे पहले रोल लगेगा, उसके बाद इसकी ये सारी ये सेटिंग चल रही होती है, जैसे जिस रोड से नीचे जाना है ऊपर जाना है ये सारी सेटिंग है। यहाँ पे आगे कपड़ा डबल हो रहा है, अच्छा यहाँ पे आगे कपड़ा डबल डबल हो रहा है, दो साइड में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे जाके इसका साइज साइज सारा सेट हुआ है, ये देखें ये इसका साइज सेट हुआ है, जो जिस साइज का हमने बनाना है उसके मुताबिक ये साइज सेट हुआ है। अच्छा ये साइज सेट हुआ है, ये कौन सा साइज है? ये इससे 18-22 का साइज बन रहा है, ये 18-22 का साइज, हाँ बिल्कुल, हम इसमें 18 का ये साइज दिया हुआ है हमने, और 22 लेंथ हमने इस पैनल से दी हुई है, इस पैनल से हम अपने इसकी 22 की लेंथ दी हुई है, और उस तब ये जाके ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद पैनल में आप बिल्कुल इसकी पूरी एक प्रॉपर सेटिंग है, ये इस मशीन का एक लैपटॉप है, बिल्कुल ऑपरेटर है, बिल्कुल इसके इसके बगैर ये मशीन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेन चीज इसकी है। अच्छा ये सारा इसमें सिस्टम सारे जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं इधर से हो रहे हैं, ये इसकी क्वांटिटी निकल रही है, ये इसकी स्पीड चल रही है, इसकी ये मशीन की स्पीड चल रही है, और ये बाकी सारा इसका वो जो सेटिंग हमने की है, कौन सा साइज ला रहे हैं,
उसकी सेटिंग हुई हुई है तो देन ये एक मिनट में ये कितने हैंड बैग निकाल लेते हैं? ये तकरीबन कोई 30-35 यानी कि बन जाते हैं, 35 से 35 हैंड बैग निकल आते हैं। हाँ जी, ये इधर से साइज आता है तो साइज के मुताबिक भी हैंड बैग भी होता है। छोटा साइज चल रहा हो वो ज्यादा क्वांटिटी निकल आएगी, वो निकल आती है। बड़ा साइज चल रहा हो तो उसकी अपनी स्पीड है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये साइज पे डिपेंड करता है। ये इसकी यहाँ पे सील लग रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी सील लग रही है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी कटिंग हो रही है, यहाँ पे आगे कटिंग होती है इसकी। सही, ठीक है, ये यहाँ कटिंग हो रही है, उसके बाद इसकी ये पंचिंग हो रही है। और ये जो इसकी वेस्ट निकल रही है, साथ पंच हो के वेस्ट निकल रही है, ये वेस्ट निकल रही है। और ये वेस्ट भी यूज में आती है, ये भी हमारी बिल्कुल ये हमारी इंडस्ट्री में ये भी यूज में आती है। इससे फिर दाना बन के फिर दोबारा प्लास्टिक में यूज होता है। ये दाना बनता है वेस्ट का, ये दोबारा प्लास्टिक में यूज होता है, वो सेल आउट होता है, वो सेल आउट होता है। कोई नुकसान नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा काम है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको बड़े पुरानी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े ब्रांड हमारे पास काम कर रहे हैं। वो प्रिंटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बुंदु खान की चल रही है हमारे पास, ये इसकी ये प्रिंटिंग चल रही है हमारे पास। अच्छा, ये प्रिंटिंग बुंदु खान की चल रही है? जी जी बिल्कुल सही। आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के काम भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बुंदु खान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। मशीन का थोड़ा सा शोर है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाहौर के काफी ब्रांड हमारे पास हैं, और आउट ऑफ सिटी भी हमारे पास ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आउट ऑफ सिटी भी काम कर रहे हैं। इनके सारे हम लोग सारे हेड ऑफिस में, इनके सारे जो जो होते हैं जो जो ब्रांड है उनके हेड ऑफिस में जाके सप्लाई दी जाती है, वो आगे अपनी ब्रांचेज में वो करते हैं। जी, आप यानी कि बुंदु खान का काम कर रहे हैं, आप बुंदु खान के हेड ऑफिस में सारी कंप्लीट सप्लाई वहां से बिल्कुल वो आगे फ्रेंचाइजीज पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी, जी। अच्छा, माशाल्लाह आप माशाल्लाह बुंदु खान का काम कर रहे हैं नुमान भाई। जी जी, इसमें आप इंक कितने कलर इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट वगैरह? इसमें मुख्तलिफ जो कलर की डिमांड हो उस कलर के मुताबिक जो लोगों वो दें हम उसके मुताबिक ही उसको प्रिंट करके दे देते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक। जो पहले उनके एक ब्लॉग बनेगा उसके पे पहले हम उसका आर्ट ओके करवाते हैं, ओके करवा के उसके बाद उनका वो लोगो डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हम उसको प्रिंट करके उनका बैग बना के देते हैं। अच्छा, वो जो आप लोगो डिसाइड करते हैं जी, वो आप जैसे आमतौर पर रॉयल पार्क में जी जी लैपटॉप पे डिजाइनिंग करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले वो डिजाइनिंग पहले एक होता था कि प्लेटें तैयार होती थी। जी नहीं, ये ब्लॉक की शक्ल में ही आता है ये। अच्छा, कि पहले इसका आर्ट रेडी होता है उसके बाद उसका एक ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। जी जी, ये आप इधर आए, ये इस शेप में ये लगा हुआ है, ये पहले ये ब्लॉक लगा हुआ है। अच्छा सही, ठीक है, ये हाँ ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये पहले फाइनल होगा, उसके बाद ये इसकी प्रिंटिंग ही हो रही है। जिस कलर की हो उसकी वो इंक चली जाती है, ये रेड कलर चल रहा है तो ये रेड इंक इसमें यूज हो रही है, यहाँ पे आप इसकी इंक जी, जी, जी बिल्कुल सही हो गया। कुछ कलर ऐसे आते होंगे, कुछ ब्लॉक आपके पास ऐसे बनते होंगे जी जी जो 4 कलर होते होंगे? हाँ बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें कलर पे कोई यानी कोई एक्सपेंस में थोड़ा सा फर्क? बिल्कुल उसमें कलर ज्यादा हो जाते हैं, उसमें फिर एक्सपेंस बढ़ जाता है थोड़ा, लेकिन आगे भी थोड़ा थोड़ा यानी कि उसमें ऐड करते रहते हैं, ज्यादा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे आपने ये दिखाया है पूरी लाइन में रेड कलर चल रहा है, ये बुंदु खान का ब्रांड चल रहा है जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपने 4 कलर करे तो फिर उधर आप 4 स्टेप्स में क्या नाम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 स्टेप में वो उसमें ब्लॉक लग जाएंगे और हर इंक वाले में अपना उस कलर का इंक चला जाएगा और उसके साथ साथ वो प्रिंट होता जाएगा। अच्छा नुमान, आपने ये तो माशाल्लाह बता दिया उसकी सेटिंग हो जाती है। जी जी, अगर कोई ब्रांड आपसे मुतालबा करे कि ये जो पेपर व्हाइट है जी जी ये भी मुझे कलर चाहिए, मिल जाएगा, और 4 कलर मेरा मोनो चाहिए? जी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है उसमें। वो कलर डिसाइड करेगा, ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, वो उसका उस कलर का वो रोल आ जाएंगे उसके ऊपर, जिस कलर की प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये खाली व्हाइट नहीं, कलर रोल जो मर्जी कलर हो आप उस पर डिमांड पे भी तैयार हो जाते हैं, जो कलर ऐसा यूनिक है वो भी तैयार हो जाते हैं। सही, कोई इसमें बड़ी बात? ये मुझे देखने में माशाल्लाह बड़ी फाइन क्वालिटी में कपड़ा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहे कि इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें और रेट में कंप्रोमाइज करें? नहीं, हम नहीं करते। आप नहीं करते? हम नहीं करते। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी देते हैं, quality. हम 10 रुपए मार्केट से ज्यादा ले लेंगे, कोशिश करते हैं मार्केट के साथ चलें। अब वो जो चीज जो लोग समझते हैं हमें, बड़े बड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड पे काम कर रहे हैं, वो ये चीजें समझते हैं कि हम उनको क्या दे रहे हैं, प्रिंटिंग की क्वालिटी, इंक की क्वालिटी। इंक भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अलमदीना इंटरनेशनल इंक वाले हैं, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। अलमदीना इंटरनेशनल वाले? जी अलमदीना इंटरनेशनल वाले, ये गजुमता में उनकी ये फैक्ट्री है और बहुत अच्छी इंक बनाते हैं, बहुत अच्छी इंक बनाते हैं। इनका एक नाम है, इनकी भी पूरे पाकिस्तान में इंक जाती है।
इनकी भी अलहमदुलिल्लाह वाली इंक है, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, कपड़े पे कम्प्रोमाइज है ना, इंक पे है बिल्कुल बिल्कुल, और ना ही हम कंप्रोमाइज क्वालिटी पे नहीं करते, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये कपड़ा आपके सामने लगा हुआ है और यही ये इस एक क्वालिटी, एक क्वालिटी हम दूसरी जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं हम कहीं और जाते नहीं है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इसीलिए आपकी माशाल्लाह दो सेट मशीनें वो लगी हुई हैं और ये प्रिंटिंग की एक बड़ी मशीन ये लगी हुई है, और माशाल्लाह आपके पास वाफर मकदार में माल डिलीवरी के लिए तैयार पड़ा हुआ है। बस हमारा समय नहीं कि ये चंद यानी कि दिन का ही होता है, क्योंकि हमने बना के देना होता है, जब एकदम से हमें ऑर्डर आते हैं ना तो एक बार हमें बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी अहम बात जी जी, एक ब्रांड ने आपको ऑर्डर दिया जी जी 2 लाख बैग्स का या 3 लाख बैग्स जी 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 जी, उसमें ब्रांड्स आपको कहता है हमें 15 दिन में तैयार चाहिए ठीक है, या 20 दिन में चाहिए ठीक है, अर्जेंट चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर करते हैं, और वैसे नॉर्मली क्या डिलीवरी आपकी कितने दिन बाद? देखें हम अपने ब्रांड से ना उनके मुताबिक ही चल रहे हैं। सबसे पहले फर्ज करें कि ब्रांड को हम एक अपना कोटा दे देते हैं, आपने 1 टन 2 टन आपने अपने बैकअप पे रखना है, आपने जब आपका ये रह जाए आपने हमें ऑर्डर दे देना, उनसे उनका वो देखिए उनकी हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको माल खत्म होने नहीं देते, वो हमें बता देते हैं, हम उनसे टच में रहते हैं कि जी कितना रह गया, वो कहते हैं इतना रह गया, उनके लिए हमें पता होता है जी हमें इतने दिन लग जाने डिलीवरी में ठीक है, और ये फौरन दे देंगे तो ज्यादा टाइम लग जाए तो हम थोड़ा उनको कह देते हैं जी हम आपको बना के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, लेकिन वो एक हमारी तरतीब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाता है, फिर हम जो देखते हैं जिनके पास अभी गुजारा हो जाएगा उनका फिर करके तो फिर वो एक मैनेज हर कोई मैनेज करते हैं, यानी कि जितना बड़ी मर्जी का हो जितने मर्जी टन का हो आपने उसको मैनेज करके देना। हां बिल्कुल मैनेज करके जैसी मर्जी करें वो आपकी कैटेगरी। हां बिल्कुल सही। अच्छा लोड शेडिंग का कोई आप पे असर पड़ा हो? हां बिल्कुल लोड शेडिंग का असर सूरत में तो थोड़ा सा आदत कोई डिस्टर्ब होता हो? हां बिल्कुल बिल्कुल होता है, जब लाइट चली जाती है जाहिर बात है मशीनें बंद हो जाती हैं, अभी फिलहाल तो यानी कि कोई और अब काफी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम फिर उसके अल्टरनेट ये कर देते होते हैं कि हम टाइमिंग फुल टाइम रखी हुई है, हमने फुल टाइम 24 आवर्स जी बिल्कुल, हम 24 आवर्स फैक्ट्री में ही समझ लें कि हमारी चल रही होती है, शिफ्ट चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह नुमान भैया आपने मशीन भी दिखा दी और वो प्रिंटिंग का भी बता दिया माशाल्लाह, आप ये जरा काइंडली बताइएगा ये आपके पड़ी हुई पैकिंग अरूसा बंदू खान वाइट है, बेकन एक वाइट है और ये प्लेन है जी जी, ये सारे तो माशाल्लाह प्रिंटेड है, ये प्लेन इसका और ये जो है क्या नाम है जो जी जी पैच लगा हुआ है प्रिंटिंग जो ही है, इसके और इसके रेट में कितना डिफरेंस? इसमें तकरीबन कोई 60 से 70 रुपीज का पर केजी डिफरेंस है, 16 से 17 पर 60 से 70 रुपीज, 60 से 70 जी जी, 60 से 70 रुपीज, 60 से 70 रुपीज पर केजी का डिफरेंस, पर केजी का प्रिंटिंग नहीं है इसमें, ये व्हाइट है इसमें प्रिंटिंग का इंक का खर्चा नहीं है, इसमें प्रिंटिंग का खर्चा नहीं है, इसकी वजह से ये 60-70 रुपए सस्ता होता है, फिर तो ये आपका काफी यानी कि सही है, ये नॉर्मल यानी हम साइज बना के रख देते हैं। हाँ जी। तो वो फिर उसमें जो जो जिस जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो आके ले जाता है। हाँ, आम फ्रीलांसर्स आते हैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास आते हैं ये शॉप्स के पे देने के लिए, कोई बड़े ब्रांड के साथ भी जो वाइट चला रहे होते हैं उनको भी फ्रीलांसर आते हैं हमारे पास बनवा लेते हैं, या वाइट लेना हो वो ले लेते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा ये आपका ये कितने का पैक है? ये 10 kg की पैकिंग है, ये सारी ट्रांसपेरेंट पैकिंग है के अंदर जो भी हो वो साफ नजर आए। सही। ये किचन क्यूजिंग की आ गई बिल्कुल, हां ये यासिर रो ये बंदू खान है, ये अरूसा हां बिल्कुल, इसके अलावा भी काफी ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह 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 पूरे लाहौर में हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में पूरे काम कर रहे हैं। सही। ये ऐसे पैकिंग बना के तो इनको लोड करके फिर आप यहां बिल्कुल इनके मेन ऑफिसेस में बिल्कुल मेन इनके हेड ऑफिस में डिलीवर करवा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा माशाल्लाह नुमान भाई बाहर आपने माशाल्लाह मशीन दिखाई, बैगों की पैकिंग का भी सारा कुछ बताया जी जी बिल्कुल। अब ये क्वालिटी एक मैंने उधर देखी थी आपकी और एक ये भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफी, ये वही मटेरियल जी बिल्कुल, हम एक ही मटेरियल यूज करते हैं, ये हम अपनी क्वालिटी को पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये आलम स्टोर का बना हुआ है जी बिल्कुल, ये लाहौर का नहीं है, ये गुजरांवाला का है, ये आउट ऑफ सिटी का यानी कि ये आउट ऑफ सिटी का है, और ये वही है बंदू खान, ये बिल्कुल बंदू खान है, ये बंदू ये अच्छा सिंगल साइड प्रिंटिंग है, ये सिंगल वो ये रिक्वायरमेंट होती है जो बिल्कुल एक सिंगल साइड करें, सिंगल कलर करें, ये डबल कलर करें, सो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के सारे ग्रीन एंड जी जी ग्रीन बेकर्स जी जी, ये ब्राउन कलर में है मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर यासिर ब्रोट ये बिल्कुल यासिर ब्रोस्ट है, ये भी माशाल्लाह बहुत मजे का है जी यासिर ब्रोस्ट। हाँ जी बिल्कुल जी, साल्ट एंड पेपर भी काफी टेस्टी है जी। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए जी साल्ट एंड पेपर और स्कोप किट्स जी जी। अच्छा एक मैं ये आपसे जानना चाहता था, ये जो ये ग्रिप है जी बिल्कुल, ये स्टाइल है इसका बैक कमी है जी जी बिल्कुल, इसमें कोई फर्क है? नहीं इसका रेट में कोई फर्क नहीं है इसका,
तो ये बस स्टाइल है जो स्टाइल जो कस्टमर यानी के जी बिल्कुल चाहे ये कस्टमर जी जी योर परफेक्ट फूड पार्टनर जी बिल्कुल सही। और ये अरूसा जी जी ये भी लाहौर का नहीं है, ये भी लाहौर का नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिटी का जी जी। ये भी माशाल्लाह ये देखें बिग बैग है ये जी जी। इसके हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते सही, प्रिंटिंग हो चाहे बैग हो चाहे कोई किसी किस्म की भी हम कंप्रोमाइज अपनी सील में कोई कंप्लेन नहीं हम बर्दाश्त करते। बिल्कुल सही माशाल्लाह, इसीलिए आप माशाल्लाह इतने अच्छे से ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आप करते हैं, कितने साल से आप ये 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। 3 साल से जी जी। ये था नाज़रीन आज का रिव्यू, इसमें आज हमने नुमान भाई का माशाल्लाह टाइम लिया और आपको बताया कि ये क्लॉथ हैंड बैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और ये खाली एक सेटअप ही नहीं है, जो कोई फ्रीलांसर बाहर से काम करवाते हैं, वो कई फ्रीलांसर होते हैं जो मुख्तलिफ सेटअप से काम करवा रहे होते हैं, उनको रेट्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे होते, उनको कॉस्टली पड़ रहे होते हैं। वो ये नुमान भाई का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस इनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी फ्रीलांसर कोई भी अपना हैंडबैग्स का कारोबार शुरू करना चाहे वो इनसे राबता कर सकता है, इनकी खिदमात हासिल कर सकता है। इंशाल्लाह ये उनके साथ तआवुन करेंगे। और ये नुमान भाई जो आपके पास अभी भी आप बता रहे थे कई फ्रीलांसर्स आते हैं, आप उनसे कैसे काम करते हैं? अब वो उनकी जितनी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो 30 किलो लेने हैं चाहे 20 किलो लेने हैं, हमने कभी इस चीज़ को नहीं किया कि अब बल्क में ही लें। चाहे हमसे 10 केजी भी कोई लेने आता है, हम उसको करते हैं, हम उसको देते हैं, वो कोई यानी कि हम नहीं करते हैं। कोई यानी कि और सारा काम कैश पे करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह कैश पे, इसमें कोई यानी कि क्रेडिट वगैरह, क्रेडिट वगैरह सारा काम टोटल कैश पे जी, बिल्कुल कैश पे। सही हो गया। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें ताकि हमें आपकी रहनुमाई मिलती रहे और हम इसी तरह एक अच्छे नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।